लगातार बारिश की वजह से जगह जगह जलजमाव की स्थिति बन जाने के बाद प्रशासन के आला अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह एवं अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा की संयुक्त टीम ने शास्त्री चौक से लेकर अंबेडकर चौराहे तक नालों का निरीक्षण किया। इस दौरान जल निकासी न होने पर तत्काल पंपसेट मंगाकर जल निकासी के लिए लगवाया। साथ ही नगर निगम कर्मियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जल निकासी की व्यवस्था करें। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा ने बताया कि जहां जहां जल निकासी की समस्या है वहां हमारे पास पंप सेट से पानी निकाला जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा ने कहा, जो लो लाइंग वाले इलाके हैं वहाँ थोड़ा पानी स्टैग्नेंट है, वो भी धीरे धीरे निकल जाएगा। इस साल हम लोगों ने नाले की सफाई बेहतर ढंग से कराई है, तो उम्मीद है कि जो हम लोगों ने नालों की सफाई कराई है उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। जहाँ भी कहीं भी हम लोग को रुकावट मिल रही है, हमारे पास 80 मोबाइल पम्प्स हैं, उनको हम वहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे ताकि वहाँ पम्पिंग की सेट से माध्यम से पानी निकाला जाए। अभी तक किसी उस प्रकार से कोई बड़ी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, पानी है सब धीरे धीरे निकल जा रहा है।